किसानों के विरोध प्रदर्शन को कैसा देख रही है सरकार, केंद्र सरकार? मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश का किसान कानून जो केंद्र ने बनाए माननीय प्रधानमंत्री जी के, उन कानून के साथ मध्य प्रदेश का किसान खड़ा है। आपने देखा कि नसरुल्लागंज के अंदर अरुण यादव दिव्य सिंह जी गए तो एक ट्रैक्टर पर चार लोग बैठ करके आंदोलन कर रहे थे और गाड़ियों में भर के नसरुल्लागंज गए, ट्रैक्टर भी चालू। अब कुल मिलाकर के ये परिस्थितियां मध्य प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन कानून के साथ खड़ा है और पूरे देश का किसान भी खड़ा है। ये आंदोलन आपको समझ में आ गया हुआ तथा कथित किन्हीं लोगों के द्वारा, जिसमें एक असामाजिक से लेकर के ऐसे तत्व भी इन्वॉल्व हो गए जो देश घातक ताकतें। अब अभी नागपुर से चले अतुल अन्यान जो वामपंथी है, नहीं, जो हमेशा नक्सलवादियों का समर्थन करते रहे, ऐसे लोग किसान आंदोलन में कूद गए। इसलिए किसान उन कानूनों के साथ खड़ा है। मध्य प्रदेश के अंदर हमने 50 लाख किसानों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की, मध्य प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जब ये सब किया, माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी ने जब इसका आह्वान किया, हमने 7 संवाद केंद्रों पर बड़े बड़े किसानों के सम्मेलन हुए, तो किसान मध्य प्रदेश का किसान कानून के साथ खड़ा है। कांग्रेस कह रही है किसान आंदोलन के डर के कारण ही नगरी निकाय चुनाव। कांग्रेस तो कुछ भी कह सकती है। देखिए क्या होता है, जब डूबता हुआ जहाज होता है तो कुछ भी चिल्ला चौड़ कर सकता है। तब कमलनाथ जी से आप पूछिए कभी कि किसानों के आंदोलन जब डिक्लेयर हुए थे तो कमलनाथ जी कहां थे? मैंने कहा था भोपाल के अंदर। आज वो किसान आंदोलन कर रहे हैं और कमलनाथ जी गायब, अब छिंदवाड़ा से शुरू कर रहे हैं। मैंने पूछा था छिंदवाड़ा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि डर है कि कहीं किसान नहीं आएंगे तो छिंदवाड़ा में कुछ लोगों को प्लान करके इकट्ठा कर लेंगे। तो ये कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। अब कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की जनता भी इनको समझ चुकी है और देश के अंदर भी आपने देखा किस प्रकार से लोग इनको समझ चुके हैं।